हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत में नौसेना दिवस को नौ सैनिकों की शान और उपलब्धियों को दिखाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसका नेतृत्व राष्ट्रपति द्वारा भारतीय नौसेना के कमांडर इन चीफ के तौर पर किया जाता है। लेकिन ये दिन खास क्यों है? आज का दिन ही नौसेना दिवस के तौर पर क्यों चुना गया? इसके पीछे एक बड़ी वजह है। नौसेना दिवस पर आपको बताते हैं कि आखिर आज का दिन ही ये खास सेलिब्रेशन के लिए क्यों चुना गया। नौसेना दिवस पर हर साल भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध को याद किया जाता है और इसे भारतीय नौसेना की अविस्मरणीय जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर को भारतीय वायु क्षेत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपने लड़ाकू विमानों के जरिए भारत पर हमला किया था। उस वक्त भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत नौसेना ने पाकिस्तान पर हमला किया। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। इस दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कई जहाज और तेल डेपो को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये जंग लगभग 7 दिनों तक चली। इसमें आग की लपटों को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। इस युद्ध में INS मिसाइल, INS निरहाट, INS वीर और INS निपट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट का प्लान नौसेना एडमिरल SM नंदा के नेतृत्व में बनाया गया था। 25वें स्क्वाड्रन कमांडर बबरू भान यादव को इस टास्क की जिम्मेदारी दी गई थी। यह ऑपरेशन तकरीबन 90 मिनट तक चला था और यही वजह है कि भारत की आन बान शान भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को ही मनाया जाता है। हमारे लिए ये बेहद गर्व की बात है कि भारतीय नौसेना दुनिया की टॉप 10 नेवी में से एक है। इसका स्थान 7वें नंबर पर है और ये दक्षिण एशिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना है।